वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पर डिस्कस करेंगे, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब और अदर इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जरूरी होते हैं। मोस्टली सभी के पास दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन ये कब तक मान्य होते हैं और नए डॉक्यूमेंट्स कब बनवाने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे ये दोनों सर्टिफिकेट कितने पुराने हैं। यह जानने के लिए सबसे पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारे दोनों ऑनलाइन चेक हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। यदि नहीं तो हमें आगे जिस किसी में भी हम ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप घर बैठे दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को कभी भी चेक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है। इस वीडियो में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को स्टेप टू स्टेप जानेंगे कैसे हम चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन चेक अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ब्राउजर खोलना है। यहाँ आपको edistrict.up.gov.in टाइप करना है, उसके बाद वहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का सरफेस खुलकर आ जाएगा, जो सबसे ऊपर नोट डाउन है edistrict, उस पर क्लिक करेंगे। edistrict पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का सरफेस आ जाएगा, जिसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे एडमिट लर्निंग, अधिकारी लर्निंग, सेवा केंद्र लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, ई साथी, जेवी पंजीकरण। तो आपको यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ जो पिक्चर शो हो रही है उसके नीचे आवेदन की स्थिति और प्रमाण पत्र का सत्यापन, तो हम यहाँ प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार का एक बॉक्स आ जाएगा, जिसपे दो नंबर्स दिए होंगे, एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। तो सभी के जो मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति निवास प्रमाण पत्र होते हैं, सभी पर ये नंबर्स होते हैं। तो ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें यहाँ जिला होता है, तहसील होती है और आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक, तो ये दो नंबर हैं। इन दो नंबरों की हमको ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा इसके किसी भी नंबर की हम जरूरत नहीं पड़ती। इन दोनों नंबर को ही डालकर हम अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ये हमारा शो हो रहा है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर में हम आवेदन क्रमांक और सर्टिफिकेट आईडी में प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करते ही हमारा एक पेज खुलकर आ जाएगा। पेज खुलने के बाद इस तरह का पेपर आएगा, जिसमें आपका आवेदन क्रमांक, प्रमाण पत्र का क्रमांक, नाम, फादर्स, कास्ट, एड्रेस, ये सारी जो आपने अपने प्रमाण पत्र में जो जानकारी है वो टोटल जानकारी इसमें आ जाएगी। इसको आप सेव कर लें और इसको प्रिंट निकलवा लें। ये निकला हुआ प्रिंट है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। इस तरह ऑनलाइन चेक करना बहुत ही ईजी होता है। आप घर बैठे ऑनलाइन इजीली चेक कर सकते हैं। यदि आपका ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपका इस प्रकार का सरफेस खुलकर आएगा, इसलिए आप जल्दी से अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं शो हो रहे हैं तो नया बनवा लें, क्योंकि आगे आपकी जो जॉब है उसमें आपको प्रॉब्लम हो जिसमें आपने ये कागज डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं। किसी किसी के मोबाइल में नेट प्रॉब्लम की वजह से भी शो नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप टेंशन न लें। आप साइबर कैफे से एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि अब वाकई में आपका शो नहीं हो रहा है कि नेट की प्रॉब्लम है। यदि फिर भी शो नहीं हो रहा है तो आप तुरंत इसको नया बनवा लें। इसकी वैलिडिटी 3 साल या इससे अधिक हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं। आगे के वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।